स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी दीदियों को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल की तरफ से भी नमस्कार। दीदी, अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और नई नई जानकारियां प्राप्त करते रहें। जी हाँ, स्वयं सहायता से जुड़ी और केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं उसके बारे में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगी। तो चलिए दीदी, ज़्यादा न बात करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जाते जाते पहले एक बार फिर कहना चाहूँगी कि आप लोग पंच सूत्र का पालन जरूर करें। साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय ऋण वापसी, लेखा जोखा, इन पंच सूत्रों का पालन दीदी आप लोग अवश्य किया कीजिए। जी हाँ, यह बहुत ही ज़रूरी है अपने स्वयं सहायता समूह को चलाने के लिए। जी हाँ, अपने SHG को चलाने के लिए। चलिए चलते हैं अब मेन टॉपिक की तरफ। गरीबों को अगस्त तक, जी हाँ दीदी, गरीबों को अगस्त तक मुफ्त राशन के साथ भत्ता भी मिलेगा। ये आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जहाँ अभी सिर्फ मई जून में मिलना था, अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है। गरीबों को अगस्त तक मुफ्त राशन के साथ भत्ता भी मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि कोविड संकट से जूझ रहे गरीबों को उत्तर प्रदेश सरकार अगस्त तक मुफ्त अनाज के साथ ही भत्ता भी दे गई। जी हाँ दीदी, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि हमारे CM का कहना है कि कोविड संकट से जूझ रहे गरीबों को उत्तर प्रदेश सरकार अगस्त तक मुफ्त अनाज के साथ ही भत्ता भी देगी। भत्ते की राशि अगले माह गरीबों को मिल जाएगी। मंगलवार को मिर्ज़ापुर पहुँचे CM योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कहीं। इससे पहले CM ने मंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। मिर्ज़ापुर में जनप्रतिनिधियों और अफसरों के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि जून तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके बाद जुलाई और अगस्त माह में प्रदेश सरकार की ओर से गरीबों को मुफ्त राशन और भत्ता दिया जाएगा। इसके तहत रेहाड़ी पटरी वाले, नाई, मोची, लोहार समेत अन्य गरीबों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए वैक्सीनेशन, जांच और अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर से जल्द ही वैक्सीनेशन को जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को टीकाकरण कराने में सुविधा हो। CM योगी ने कहा कि हमने पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया है, बल्कि कोरोना कर्फ्यू लगाया है। इसमें उद्योग धंधे संचालित हैं, मंडियां खुल रही हैं, खेती किसानी का कार्य भी चल रहा है, किसी को दिक्कत नहीं होने दी जा रही है। लेकिन कोरोना को मात देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है। उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील करते हुए कहा कि जब जिस सेंटर पर बुलाया जाए वहां पर जाकर वैक्सीन लगवा लें। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन हमारा सुरक्षा कवच है। 1 जून से सभी जिलों में 18 प्लांट्स को टीका। CM ने कहा कि 1 जून से प्रदेश के 75 जिलों में 18 से 44 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सेकेंड वेव में बड़ी संख्या में फ्रंट लाइन वर्कर, चिकित्सक और अधिकारी संक्रमित हुए। उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल से 1 मई तक 1,00,000 कोविड मरीजों की संख्या प्रतिदिन होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन संक्रमितों की संख्या 38,000 से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। प्रदेश में 80,000 वेंटिलेटर व बेड मौजूद हैं। टेस्ट की संख्या 4.70 करोड़ और 1.65 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सेकेंड वेव में 50 गुना ज़्यादा संक्रमण
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की पहली लहर में हमारे पास लैब तक नहीं थे, जांच के लिए सैंपल पुणे भेजे जा रहा था। अब यह स्थिति नहीं है, प्रदेश में कोविड लैब की संख्या पर्याप्त है। सेकेंड वेव में संक्रमण का दर 30 से 50 गुना अधिक था। ऑक्सीजन की डिमांड हुई, ऑक्सीजन की डिमांड केंद्र सरकार की मदद से पूरी की गई। प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इसके लिए नोडल अधिकारी, जी हां, इसके लिए नोडल अधिकारी की तैनाती कर दी गई है ताकि वह ऑक्सीजन प्लांट की मॉनिटरिंग कर सके। ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन, इससे पहले सीएम ने मंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किए। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, सांसद अनुप्रिया पटेल, विधायक रत्नाकर मिश्र, अनुराग सिंह सुजी, सीमंता मौर्य, राहुल कोल, नपाध्यक्ष मनोज जायसवाल, कमिश्नर योगेश राम मिश्र, डीएम प्रवीण कुमार लच्छकार, सीडीओ श्री लक्ष्मी वीएस आदि मौजूद रहीं। इसके बाद विंट इंटीग्रेटर कमांड सेंटर व मंडलीय अस्पताल के पोस्ट कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से बात भी की, साथ ही सिटी ब्लॉक के नुआव गांव का निरीक्षण किए। वहीं नगर के पथरिया स्थित कश्मीरी सभागार में जिले के जनप्रतिनिधियों का व अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें भदोही और सोनभद्र जिलों के अफसर वर्चुअल शामिल हुए। बच्चों के माता पिता को पहले टीका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि थर्ड वेव में बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसी अभिभावकों को चिन्हित कर उनका 100% टीकाकरण करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आशाओं को दिए निर्देश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिटी ब्लॉक के नुआवा गांव के प्राथमिक विद्यालय पर चौपाल लगाकर आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को गांव में साफ सफाई और वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साफ सफाई अभियान और नौरत जारी रहे। मुख्यमंत्री ने एक महिलाओं को बेहतर ढंग से मास्क लगाने की सलाह दी। कहा कि मास्क को मुंह के ऊपर नाक तक लगाया जाए। गर्मी होने पर विद्यालय में मुख्यमंत्री ने डीएम से पंखा की व्यवस्था करने को कहा। इसके बाद वे ग्रुसडी पीएससी का निरीक्षण करने के लिए रवाना हो गए। तो चलिए दीदी अब तो चलते हैं। जाते जाते एक बार फिर कहना चाहूँगी, आप अगर एक एसएचजी की महिला हैं तो दीदी आप लोग पंचसूत्र का पालन जरूर करें। जी हाँ, जो आप सभी जानती हैं, एक बार फिर दोहराती हूँ, साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय से ऋण वापसी, लेखा जोखा, इन पंचसूत्रों का अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि पालन करते रहें, हमारे समूह को चलाती रहें। चलिए दीदी, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।